Hi, my name is Adani. I'm from Sweden. Welcome to Mimi Family! Been wondering just what you mean to me. Oh, still drive me crazy. Yeah. Tradition we celebrate, but oh, Christmas. Hey, good morning, baby. Good morning. आज मैं गुड मॉर्निंग ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं हिम्मत को बोलती हूँ। और कल हमने चिड़ियों का फूड डाला है बाहर, और चिड़ियों का नाम निशान नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है प्यारी सी। और हिम्मत अभी भी नींद निकल रहा है क्योंकि आज के दिन की शुरुआत होने वाली है डॉक्टर से। तो मैंने सोचा कि उससे थोड़ा आराम करने दूँ, क्योंकि या तो वो मेरे साथ जाएगा या वो दोस्त के घर जाएगा। मैं पीने वाली हूँ चाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हालचाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज समय क्या हो गया है, 1:30 बज रहे हैं ऑलरेडी, और मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ कल वाले व्लॉग को जो आज अपलोड किया जाएगा। और डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से आगे हम लोगों ने पेट पूजा की थी। पेट पूजा के लिए मैंने परौंठी खाई थी अचार के साथ। अचार के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग बनाने वाले हैं नींबू का अचार, जैसे मैंने कल इंग्रेडिएंट्स लेके आई हूँ। अब उनको मैं थोड़ा ड्राई होने के लिए रखने वाली हूँ 1-2 दिन। आई थिंक 2-3 दिन के व्लॉग्स में हमारा अचार पूरा हो गया। मैं उसको ड्राई करने वाली हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाने वाली हूँ। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाना चाहते तो एकदम से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर मैं थोड़े दिन उनको ड्राई करूँगी, देन हम उनको पानी निकालेंगे, देन तड़का लगाएंगे। आज मैंने मेरी मॉम से रेसिपी पूछी है एक आसान से अचार की, आई होप कि वो अच्छा बनेगा। हिम्मत की क्लास अभी भी चल रही है और मैं लेने वाली हूँ चाय पानी की ब्रेक, एंड दिन को कंटिन्यू रखेंगे। और मेरी प्यारी स्वीटी क्लीन कर रही है इधर उधर कम कम के, देयर शी इज प्यूरीफाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका नाम क्या रखें, इसका मैं कोई प्यारा सा नाम रखना चाहती हूँ। आप सजेस्ट करें कि इसका क्या नाम रखें। फिलहाल के लिए इसका नाम मीमीज रखा हुआ है हमने, पर आई डोंट नो क्या रखें, आप सजेस्ट करें। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है क्यों, ये सारे एरिया में वो चाड़ू ला के आ गई है स्वीटी। चिकन कुक हो चुका है, राइस मैंने रख दिया है, और हिम्मत खाने वाले हैं पाइन एप्पल। मैं खाती हूँ काले नमक के साथ और हिम्मत ऐसे ही खाएगा। Instead, I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I prayed to watch you stand up there and gave you all the power. You say she's a work of art. You pick her up from school. She blows you off. Don't you know you're all I want? I saw you out in Hollywood, so we drove to Laurel Canyon. I gave you all of my spare time, and you just couldn't stand it. गुड मॉर्निंग स्वीटी। ओ तो फोन नहीं चक्या, ओ तेनु फोन करन दे ही। कौन? तू व्हाट्सएप नहीं देखा अपना? वे और अभी वो कैंसिल करके सैटरडे को आती है। मेरी अपॉइंटमेंट? फोन अपॉइंटमेंट। ओके दोस्तों, तो मैं हूँ मेरे वॉशरूम में। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मेरे फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और एक वो वाला प्रोडक्ट जो मैंने कहा था कि मैं मेरे स्कार्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। और बहुत सारे मुझे मैसेजेस एंड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उसके बारे में मैंने दोबारा से बात नहीं की। एक्चुअली इन बिगिनिंग में मुझे लगा था कि वो मुझे हेल्प कर रहा है, पर उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया नहीं है। और या फिर इट्स टू अर्ली, आई डोंट नो, अभी मैं स्टिल
वर्क कर रही हूँ, शायद कुछ महीने बाद उसका असर पता चलेगा, पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. जस्ट अ मोमेंट. ओके, थोड़ा ज़्यादा ही गंद मचा दिया मैंने यहाँ पे. और ऑल्सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऑर्डिनरी के कौन से प्रोडक्ट्स मैं अभी तक भी यूज़ कर रही हूँ. ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करना शुरू किया था आई थिंक 2017 में, और 3 ईयर्स हो गए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं अभी भी यूज़ करती हूँ. ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. आपको पता ही है कि मेरी स्किन का कंसर्न क्या है, कि डिहाइड्रेशन एंड बहुत ज़्यादा ड्राई सा फील होती है, और बहुत सारे जिट्स होते थे जिसमें से बहुत सारे जिट्स होते थे ऐसे जैसे ब्लैक हेड्स हों और वाइट हेड्स वाले जिट्स, बहुत अजीब से. सो वो एक्चुअली बेसिकली ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स के साथ ही ठीक हुई थी. सो आजकल मैं ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ये हाइरलानिक एसिड, क्योंकि ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा एक बॉटल मैंने ऑलरेडी मेरे स्टॉक में रखी है, ताकि यू नो जब मैं इससे रन आउट हूँ मुझे इसके बिना नहीं रहना पड़े. और इसके बिना मैं नियासिनमाइड यूज़ करती हूँ, पर वो मैं आजकल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे चेहरे पे विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ. वैसे मैं ये अब तक यूज़ कर रही थी. ओके, जो मेरे स्कार्स के लिए मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो है दिस वन. इसकी पिक्चर मैं शेयर कर दूँगी. इसका नाम है एडमायर माई स्किन अल्ट्रा पोटेंट ब्राइटनिंग सीरम, जो कि 2% हाइड्रोक्विनोन के साथ है, कॉजिक एसिड है, एज़ेलाइक एसिड है, लैक्टिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड एंड विटामिन सी. ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रीटमेंट है. इसने मुझे लगा कि बिगनिंग में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट किया, और इसको आप सिर्फ हफ्ते में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद स्किन पील हो जाती है. और इसके बारे में आप रिव्यूज़ देखना, लोगों के बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, मेरे कहने पे ही मत खरीद लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग किस्म का ट्रीटमेंट है. ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा. ये अमेज़ॉन कैनेडा में अवेलेबल नहीं है, सो मैंने अमेज़ॉन US amazon.com से लिया था. तो अदर मैं चीज़ यूज़ करती हूँ ये केल्स का विटामिन सी डार्क स्पॉट सोल्यूशन, और इन दोनों को मैं ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करती हूँ. समटाइम ये कर लेती हूँ, समटाइम ये, पर ये मैं 5-6 दिन के बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अजीब किस्म का है. सो इन दोनों को यूज़ कर रही हूँ. स्कार्स में थोड़ा डिफरेंस तो है पहले के मुकाबले, पर लाइक फुली रिकवर नहीं हुआ है, होपफुली 1-2 महीने बाद होगा. मेनली मैं मेरे स्कार्स के लिए ये वाली 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. और मेरी स्किन की हाइड्रेशन के लिए मुझे ये कील्स का टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये अल्ट्रा फेशियल टोनर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर है. इसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ. और फेस मास्क यूज़ करती हूँ मैं क्ले वाले, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मेरी स्किन क्लीन रहती है. और अगर आपके चेहरे पे लार्ज पोर्स हैं तो क्ले वाले मास्क यूज़ करें, क्योंकि उससे फिर वो खींच लेते हैं एक्स्ट्रा ऑयल्स को. और मुझे ये कील्स का ये डीप पोर क्लिनजिंग मास्क बहुत अच्छा लगता है. सो ये मैं यूज़ करती हूँ, और मैं विनर्स से कई तरह के मास्क लेती रहती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं. और मेरी स्किन की हाइड्रेशन को बरकरार रखने के लिए ये मैं ओरिजिन की ड्रिंक अप इंटेंस नाइट ओवरनाइट मास्क यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा स्किन हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि जब वो हाइड्रेटेड नहीं रहती है तो अगले ही कुछ दिनों में मुझे पता चल जाता है. ये लनेश का वाटर स्लीपिंग मास्क भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. और मुझे ओरिजिन के ये क्ले मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एक है ओरिजिन आउट ऑफ ट्रबल 10 मिनट रेस्क्यू प्रॉब्लम स्किन मास्क, अदर वन है रीटेक्स्चराइजिंग मास्क. इसमें थोड़ा सा टेक्स्चर है, ऐसे लगता है कि आपने स्क्रब किया है, जब ये ड्राई हो जाता है मास्क उसको स्क्रब करके रिमूव कर लें. ये दोनों मास्क मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एक्चुअली मुझे ओरिजिन की स्किन केयर काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. मास्क यूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है, क्योंकि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप लगाएं आपको पता ही नहीं चलता कुछ किया है या नहीं. सो ओरिजिन के मास्क अच्छे हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनमें. तो ये वाला कील का मास्क भी लगा लेती हूँ. ये है कील का सिलेंट्रो एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट मास्क. और कभी कभी लाइक पूरी नाइट नहीं मैं रख पाती, क्योंकि पूरी नाइट रखो तो सारा नाइट फील होता रहता है कि चेहरे पर कुछ चिपचिप है, वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, वो नहीं मुझे अच्छी लगती. सो और भी मेरे पास नन्हे मन्ने से लाइक सैम्पल मास्क आते रहते हैं, मुझे मास्क लगाना बहुत अच्छा लगता है आजकल. सो या आई थिंक ऑलराइट, लुक एट दिस. ये है समर फ्राइडेज का मास्क, जिसकी हालत ज़्यादा ही चिब्बी खिब्बी हो गई है. एंड वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे यूज़ कर लिया है.
और ये मास्क को बहुत ज़्यादा हाइप मिली कि ये मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसे लगता है कि सुबह आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सूद है, ब्ला ब्ला ब्ला। यूज़ मैंने सारा के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर मुझे लगता है कि इसके रिज़ल्ट उससे ज़्यादा बेटर है। इसके जब मैं ये लगाती हूँ और सुबह उठ के मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है उसके मुकाबले, और ये इसका प्राइस उससे कम भी है। सो अगर आप कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई फ्लेकी और अजीब सी है और आप चाहते हैं कि लाइक बहुत सॉफ्ट फील हो, ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड है, तो ये वाला ट्राई करें। और सो यार, ये नन्ही सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी आपको मास्क के बारे में और मेरे स्कार ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली वो है विटामिन सी फ्रॉम कील्स एंड एडमायर माई स्किन। एडमायर माई स्किन को यूज़ करते हुए मुझे हो गए हैं मोर देन दैट सितंबर में यूज़ करना शुरू किया था। मैं हफ्ते में एक ही बार लगाती हूँ, कई बार दो बार, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना के रखे हैं, आप प्लीज़ वो वीडियोज़ देखें। अगर आपको लगेगा कि या आप ट्राई करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ ये स्केरी किस्म का ट्रीटमेंट है। पर मैं मेरे चेहरे पर ऐसे स्कार्स हैं कि मैं कुछ भी ख़तरनाक करने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि अगर थोड़ा भी फ़र्क पड़े तो, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। पर क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हैं वो आप पे है। ऑलराइट, सो दैट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मास्क। और आज मैंने डिनर दोपहर में ही बना लिया था। मैंने बनाई है चिकन करी, क्योंकि चिकन को फ्रीज़र में रखा गया था और उसके बाद थॉ कर लिया मैंने कल खाने के लिए, कल हमने खाया नहीं। सो मैंने सोचा कि चिकन करी समय पर बना लें। और ये जो हरी मिर्ची हम अचार के लिए लेके आए हैं उसको मैं ऐड करना चाहती थी चिकन करी में। मैं चिकन करी नहीं खाती हूँ, मैं किसी किस्म की भी चिकन करी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। और या हस्बैंड के बनाए मैंने राइस बना लिया है, सैलड बना लिया है, और उसके बाद सिर्फ रोटी बनानी रह जाएगी। आज मेरा मन है कि मैं वो तवे पे जो नान बनाते हैं वो बनाऊं, ताकि हस्बैंड को अच्छा मील मैं दे पाऊँ। हस्बैंड को अच्छी मील देना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब वो खुश होकर खाते हैं तो मज़ा आता है मुझे। और मेरे हस्बैंड को खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, ज़्यादा पतियों को होता है या नहीं। सो या, और हिम्मत की क्लॉज़ेट में बहुत ज़्यादा मैस है, हिम्मत की क्लॉज़ेट को क्लीन करने के लिए मन कर रहा है मेरा और नहीं भी कर रहा। और मुझे आज का वीडियो भी एडिट कर रही हूँ मैं, अभी फिनिश नहीं हुई है, वो भी एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। सो या, कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं पति की, और उनको सिर्फ हम 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, यू गाइस कैन क्लियरली सी ऑन हिज फेस, बट वी डोंट केयर, वी नीड कॉन्टेंट फॉर आर चैनल। बहु आज मैं नॉट बहु, यू आर अननोन गाय। आज मैं कोई काम कर दे अचानक मेरे दिमाग से ख्याल आया कि तुहानू किदा फील हुंदा आ कि तुहाडी पत्नी एडी प्यारी आ, किदा तुहानू किदा अंदर तुहाडे लड्डू फुटदे आ। नॉट एनी मोर, नो नो, मैं सोचा कि तू ये खुशी ना झूम उड़दे होवोगे। नो, फॉर मी लग्जरी इज नॉर्मल। मैनू लगा कि किन्ने लकी हाँ तुही कि तुहाडी जिंदगी च मैं आई हाँ। लाइक तू की चंगा कीता वे कि तुहानू मैं मिल गई। हेलो सर, हाउ आर यू? सो गुड। गुड, कैन यू सिट लाइक दिस सर? ओके सर, व्हाट यू फील अबाउट योर मम्मी? लिटिल गुड। ओनली लिटिल गुड सर? यस। व्हाई? Can you sing Jingle Bell to us? Okay. Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. Jingle bell, jingle bell, jingle! Oh, sir, it is so cute. Sir, can you give me Pucci V? Mom, look. I love you, sir. Sir, I love your koti. This is so nice and cozy. You like it? It's nice and cozy for you too? Okay, sir. Bye. Have fun, sir. Oh, you know charging to lay? Yeah.
ओके प्यारे दोस्तों, सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने ये ब्लॉग को पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें और अपनी प्यारी प्यारी इंट्रोज की वीडियोस भेजते रहें। मेरे सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं किसी पे भी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट। Bye, Lalo. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Root of tradition, we celebrate.